आइए संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं सी शार्प से राग भूपाली का सरगम गीत। राग भूपाली का सरगम गीत मैं पहले भी रिकॉर्ड किया हूं, लेकिन आज जो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं इस तरह करने जा रहा हूं जैसे मैं एक बार गा रहा हूं, एक बार स्टूडेंट को प्रैक्टिस करना है मेरे साथ, इस तरह से मैं इसे गा रहा हूं। मेरे साथ मेरा स्टूडेंट गणेश भी गा रहा है, तो गणेश आप सब के लिए प्रतिनिधित्व करेगा, वो गाएगा और आप सभी लोग उसके साथ गाएंगे। तो आइए किस तरह से राग भूपाली का हमें प्रैक्टिस करना है उसे ध्यान दें। सबसे पहले आरोह अवरोह का प्रैक्टिस करेंगे। सा रे ग, बोलो आरोह अवरोह को हमें बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए और उसे धीरे धीरे स्पीड में लाना चाहिए। जब हम आरोह अवरोह को सुनाते हैं किसी को भी, तो धीरे से सुनाते हैं, स्लो स्पीड में सुनाते हैं, क्योंकि आरोह अवरोह को स्पीड में नहीं गाया जाता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि आरोह अवरोह का नोट्स जो है वो राग के पूरे विस्तार का कारण है। आरोह अवरोह के कारण ही और आरोह अवरोह पर ही हमारे राग का सारा आधार है। राग का तान करते हैं हम आरोह अवरोह के नोट्स के द्वारा, आलाप करते हैं, बंदिश गाते हैं, सब कुछ आरोह अवरोह पर निर्भर है, उन नोटों पर। तो क्यों नहीं उन नोटों को पहले ही तैयार कर लिया जाए बंदिश से, राग को समझने से पहले ही आरोह अवरोह को तैयार कर लिया जाए। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं आप सबसे कि आरोह अवरोह जब आप तैयारी करते हैं तो उसे स्पीड में लेकर के आए, जैसे सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा। बोलो सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा, सा रे ग प ध सा, सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा, सा ध प ग रे सा। अब दोनों आरोह और अवरोह दोनों को साथ साथ बोलना, सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा, सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा। अब जब हम इस स्पीड में कर लिए फिर इसे और बढ़ाएंगे, सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा, सा रे ग प ध सा, सा। तो इस स्पीड में भी हम जब बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे इसका स्पीड और बढ़ सकता है, जैसे सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा, सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा। अभी सा ध प ग रे सा गलत हुआ, लेकिन अगर हम इसी तरह इसको थोड़े से स्लो स्पीड में प्रैक्टिस करें और दिमाग में रखें कि हमें इसे स्पीड बढ़ाना है, क्योंकि राग का तान आलाप सब कुछ तो इसी नोट्स पर निर्भर है। तो इसीलिए आरोह अवरोह का प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हो गया आरोह अवरोह को स्पीड करने की बात।
अब देखो एक और बात, जैसे आरोह अवरोह का क्या मतलब है कि राग में ये नोट्स लगते हैं, तो जब ये नोट्स हम यूज करते हैं तो इसमें नीचे भी जा सकते हैं ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि जब हम आलाप करते हैं तो आलाप में नीचे के भी स्वर यूज करते हैं। जैसे जैसे देखो सा सारे गरे सा सारे धा सा ध पद सारे धरे सा राइट। तो इसमें नीचे के भी स्वर हम यूज करते हैं आलाप में, तान में और बंदिश में भी। तो आरोह अवरोह का जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब वो एक स्पीड में आता है, तो उसको हम क्या करेंगे कि उसको नीचे के भी स्वर को लेंगे, ऊपर के भी स्वरों को इसमें यूज कर सकते हैं हम। जैसे सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा, ये तो हो गया आरोह अवरोह। अब सा ध प जितने नीचे हम जा सकते हैं, जैसे सा ध प ग रे सा रे ग प ध सा, तो नीचे का भी सारे नोट्स हो गया। सा रे ग प ध सा, और वही नोट्स ऊपर भी जाएगा सा रे ग प ग रे सा। जितना ऊपर जा सकते हैं हम प्रॉपरली स्वर में, उतने दूर तक का प्रैक्टिस करेंगे। तो अब क्या करना होगा, हमें पूरे नीचे से लेकर के ऊपर तक के स्वरों पर हमें दौड़ना है। सा सारे ग रे सा ध प ग रे सा सारे ग प ध सा प ध सारे ग रे सारे ग प ग रे सा ध प ग रे सा सारे ग प ध सारे ग प ध सारे ग प ग रे सा ध प ग रे सा। बात समझ में आ रही है? तो ये है आरोह अवरोह की तैयारी। तो ये टेक्निकल तैयारी है। अब देखो हम जो अलंकार करते हैं डिफरेंट, सा सा रे रे ग ग प प ध ध सा, सा रे ग रे ग प ग प ध प ध सा, ये अलंकार करते हो ना, तो उसमें हम म लगाते हैं और नी भी लगाते हैं। नहीं ये अलंकार मुझे नहीं मिला। हाँ है तुम्हारे पास, तुम इस तरह करते हो उसको, सा रे ग रे ग म ग म प म प ध करते हो ना, तो उसी अलंकार को राग भूपाली के हिसाब से अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सा रे ग रे ग प, क्योंकि म नहीं लगता राग भूपाली में, ग प ध प ध सा, क्योंकि नी नहीं लगता है। तो उस अलंकार पर दौड़ेंगे, सा रे ग रे ग प ग प ध प ध सा सा ध प ध प ग प ग रे ग रे सा। चार नंबर अलंकार किए हो, सा रे ग म रे ग म प किए हो ना। अब उसी अलंकार को राग भूपाली के आधार पे करेंगे, सा रे ग प रे ग प ध सा। समझ में आ रही है बात? तो अगर मान लो हम उन अलंकारों को राग के आधार पे और राग के आरोह अवरोह के नोट्स के आधार पे अगर हम तैयारी करें, तो क्या राग पर दौड़ना नहीं जान जाएंगे हम? बस राग पे दौड़ना जान गए तो क्या क्या हो गया, सो देखो, सारे गा रे गा पा गा पा धा पा धा पा गा पा धा सा पा धा सारे गा गा रे गा रे धा 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 पा गा रे गा पा धा पा धा पा गा पा गा रे सा सारे गा रे सारे गा पा रे गा पा गा रे गा पा धा गा पा धा पा गा पा धा सा पा धा सा धा पा धा सारे धा सारे सा धा सारे गा गा रे सारे सा धा सा धा पा धा पा गा पा गा रे गा रे सा। तो क्या ये राग का तान नहीं हो जाएगा?
अगर नोट्स पर हमारा कॉन्फिडेंस हो गया तो तान हो गया, और अगर नोट्स पर कॉन्फिडेंस है हमारा तब तो आलाप तो बहुत आसान है, क्योंकि वो तो स्लो करना है, सा सारे गा गरे गा पा माने लगाना है, गरे गा पा गा गरे धसा, आ रही है बात समझ में? तो आरोह अवरोह की प्रैक्टिस हमारी ऐसी होनी चाहिए किसी भी राग में, और एक राग में अगर हम आरोह अवरोह के प्रैक्टिस को या तान के किसी चीज के प्रैक्टिस को अगर हम अच्छी तरह समझ जाते हैं, इसका मतलब है कि हम हर एक राग के फॉर्मेट को समझ जाएंगे। आई बात समझ में ना? तो अगर हम ये टेक्निक को समझ जाते हैं तो हम जल्दी तैयारी कर सकते हैं, जो चीज 10 साल में 15 साल में होना चाहिए वो हमें 4 साल 5 साल में पूरा हो सकता है। आ रही है ना बात समझ में? चलो अब हम लोग करेंगे इसके राग भूपाली का बंदिश, और मैं धीरे धीरे एक एक लाइन को करूंगा। सा सा धा पा गरे सारे, बोलो सारे। तो जब हम शुरू में तैयारी करते हैं तो इस तरह से उसको दो भाग में चार भाग में बांट करके बारी बारी से अगर तैयारी करें तो हम जल्दी तैयार हो सकते हैं। तो ये आठ आठ मात्रे के दो पार्ट को आप सभी लोग याद करें और उसकी तैयारी करें। सा सा धा पा गरे सारे, सा सा धा पा गरे सारे, सा सा धा पा गरे सारे, सा सा धा पा गरे सारे। और याद करने के समय में भी इसे थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं। सा सा धा पा गरे सारे, सा सा धा पा गरे सारे, सा सा धा पा गरे सारे, सा सा धा पा गरे सारे। तो जब लगता है कि हम ये याद कर लिए अच्छी तरह, कंठस्थ हो गया, तो फिर आगे बढ़ेंगे। गा पा गा धा पा गा, गा पा गा धा पा गा। यहां पर हम देखते हैं गा, बहुत सारे स्टूडेंट इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, जैसे मैं अगर मैं बोल रहा हूं गा पा तो वो सोचते हैं कि वो कुछ नहीं है, तो वो गा पा गा केवल याद करते हैं इस तरह गा पा गा, तो वो मात्रा कट जाएगा। तो अ जो होता है वो भी एक मात्रा है, इसीलिए उसे भी हमें ध्यान देना चाहिए, उसका भी सेपरेट प्रैक्टिस है। गा अ गा पा गा धा पा गा, गा पा गा धा पा गा, गा पा गा धा पा गा, गा पा गा धा पा गा। अब इसको भी थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। गा पा गा धा पा गा, गा पा गा धा पा गा, गा पा गा धा पा गा, गा पा गा धा पा गा। अब हमें लगता है कि ये भी हम याद कर लिए, अब पूरी पंक्ति को एक साथ बोलेंगे। सा सा धा पा गरे सारे, गा पा गा धा पा गा, सा सा धा पा गरे सारे, गा पा गा धा पा गा। तो अब ये पूरी पंक्ति हो गई, अब इसको भी थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे।
सा सा धा पा ग रे सा रे ग पा ग धा पा ग सा सा धा पा ग रे सा रे ग पा ग धा पा ग सा सा धा पा ग रे सा रे ग पा ग धा पा ग सा सा धा पा ग रे सा रे ग और इस तरह से जब आप एक पंक्ति को याद कर जाते हैं कंप्लीटली, जब वो गले में बैठ जाता है, पूरी तरह कंठस्थ हो जाता है और सुर में होता है, स्वर का ध्यान जरूर रखना होता है, तो उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए। और इसी तरह मैं पार्ट पार्ट हर एक लाइन के सरगम को मैं बोल रहा हूं और आप इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे जैसे हम फर्स्ट लाइन का किए, लेकिन अभी मैं आपको केवल एक एक पार्ट केवल बोल रहा हूं, ध्यान दें। सेकेंड लाइन है इसमें ग प ध सा रे सा ध प 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 सा प ध प ग रे सा सा प ध प ग रे सा सा प ध प ग रे सा। अब दोनों पार्ट हम कंप्लीट कर लिए तो अब इस लाइन को फिर पूरी तरह बोलेंगे ग प ध सा रे सा ध प सा प ध प ग रे सा ग प ध सा रे सा ध प सा प ध प ग रे सा ग प ध सा रे सा ध प सा प ध प ग रे सा ग प ध सा रे सा ध प सा प ध प ग रे सा। बहुत अच्छा, अब ये दो लाइन समझ में आ गया। तो इस दोनों लाइन को पहले प्रैक्टिस करेंगे, गले में अच्छी तरह बिठा लेंगे, उसके बाद अंतरा करेंगे। आइए अंतरा को करते हैं। ग ग प ध प ग ग प ध प जैसे हम स्थाई में दो पार्ट में किए थे, इसमें हम तीन पार्ट में प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि शब्द के मुताबिक तीन पार्ट इसमें बनेगा। ग ग प ध प ग ग प ध प सा सा ध ध सा सा ध ध सा रे ग रे सा ग ग प ध प ग ग प ध प सा सा ध ध सा सा ध ध सा रे ग रे सा सा रे ग रे सा। अब तीनों पार्ट को मिला के करेंगे। ग ग प ध प सा सा ग ध प ध ग ओके वो मेरे लिए था। बिल्कुल कोई बात नहीं, अभी पार्ट पार्ट ही याद रखना है, कोई चिंता नहीं, बाद में इसे कर लेंगे, अभी पार्ट पार्ट करो। ग ग प ध प ग ग प ध प सा सा ध ध सा सा ध ध सा रे ग रे सा सा रे ग रे सा। अब मैं इसे पूरी लाइन को मैं बोलता हूं, केवल सुन लो, दो बार मैं बोल रहा हूं इसको। ग ग प ध प सा सा ध ध
सा रे ग रे सा ग ग प ध प सा सा ध ध सा रे ग रे सा। अब चौथी लाइन को हम करेंगे, पार्ट पार्ट करते हैं पहले, फिर मैं उसे दो बार गा करके बता दूंगा। गा गा रे सा रे रे सा धा, बोलो गा गा रे सा धा गा गा रे सा रे रे सा धा। बहुत अच्छा, गा गा रे सा धा ये एक पार्ट हो गया। और दूसरे पार्ट में सा सा, अच्छा इसे दो पार्ट के जगह हम चार पार्ट में भी बांट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे गा गा रे सा, बोलो गा गा रे सा रे सा धा रे सा धा सा सा धा पा गरे सा गरे सा। इस तरह भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और दो भाग में बांट के भी कर सकते हैं। जैसे गा गरे सा रे सा धा गा गरे सा रे सा धा सा सा धा पा गरे सा गरे सा गरे सा 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 धा प गरे सा 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 धा प गरे सा। आई बात समझ में? तो इस तरह इसका प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी लाइन को भी मैं फिर बोल देता हूं, अंतरा को एक बार में दोनों पंक्ति को दो बार करके बोल देता हूं। ग ग प ध प सा सा ध ध सा रे ग रे सा ग ग प ध प सा सा ध ध सा रे ग रे सा ग ग रे सा ध सा सा ध प ग रे सा ग ग रे सा ध सा सा ध प ग रे सा सा। और फिर आरोह फिर जो है सो स्थाई पे चलते हैं। सा सा ध प ग रे सा रे ग। आई बात समझ में? तो दो लाइन स्थाई दो लाइन अंतरा को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसको बार बार सुनो, बार बार तैयार करो। स्वर पर जरूर ध्यान रखना है और जब तक वो स्वर प्रॉपर तरीके से नहीं बैठता है स्पीड नहीं करेंगे। जब गुरुजी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है अब स्पीड बढ़ाओ, तभी स्पीड बढ़ाना उचित है। नहीं तो क्या होता है, कोई भी स्वर अगर गलत बैठ गया गले में, जैसे कि आज ध्यान दिए थे ग पर बैठ गया था ना, तो अगर उस तरह से कोई चीज गले में बैठ गया तो फिर वो गले से निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। तो जब कोई भी लाइन को हम तैयार करते हैं तो याद कर लेंगे और पहले सुनाएंगे गुरुजी को। सुनाने के बाद जब गुरुजी कहते हैं कि हाँ ठीक है अब थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, तभी उसका स्पीड बढ़ाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। समझ में आ गई बात? तो इसकी तैयारी करो और अगले वीक में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छी तरह तैयारी होनी चाहिए, ठीक है? चलो बहुत अच्छा।